है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता और वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। छोटी पुत्री के रिश्ते के लिए दहेज में वैगनार कार्ड देने की हां क्या की, बड़ी पुत्री के ससुराली ने भी दहेज में वैगनार कार की मांग की। जी हां, जब मांग पूरी नहीं हुई तो गर्भवती महिला को ससुरालियों ने हत्या कर मौत के घाट उतार दिया और इतना ही नहीं, विवाहिता को कमरे में बंद कर फरार हो गए। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बेवर व थाना बिछवा से जुड़ा है। बिछवा थाना क्षेत्र के ग्राम करीमगंज निवासी सुनील कुमार ने अपनी पुत्री वंदना की शादी 11 माह पूर्व बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम छबीलेपुर निवासी चंदन के साथ की थी, जिसमें सुनील ने अपनी क्षमता के अनुसार ससुराल को दहेज भी दिया था। अब वह छोटी पुत्री की शादी के लिए दूसरी जगह रिश्ता करने गया था, जहां ससुरालियों ने दहेज में वैगनार की मांग की तो सुनील कुमार ने रिश्ते को पक्का करने के लिए दहेज में गाड़ी देने का वादा कर दिया, जिसकी भनक वंदना के ससुरालियों को क्या लगी कि ससुराली वंदना को दहेज में अतिरिक्त वैगनार की डिमांड करने लगे और उसके साथ शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने लगे। इसकी जानकारी वंदना ने अपने पिता को दी। पिता ने दूसरे दिन आने की बात कही तो देखा कि वंदना को ससुरालियों ने हत्या कर कमरे में बंद करके फरार हो गए। इसकी जानकारी मिलने पर पीड़ित पिता अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचा, जहां उसने घटना की रिपोर्ट बेवर थाना में पति के अलावा ससुर, सास और नंद के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। इस पे आए हो पीएम पे, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये 21 तारीख को उस बिटिया का फोन आया था, तो फोन पे कोई बात हुई कि ये लोग हमको धमकाते सटकाते हैं और कहते हैं हमको वैगनार गाड़ी दिलवाओ। अच्छा, कितने रुपए की मांग करते थे? वैगनार गाड़ी मांग रहे थे बस। हाँ, हाउस आए, क्या पूरा मामला क्यों? ये सर मतलब जो वहाँ गए थे तो वहाँ मतलब अगली लड़की पड़ी थी, तो उसके बाद मतलब जब देखा तो वहाँ मतलब फिर पुलिस बुलाई, पुलिस बुला के मतलब जो है इन्होंने पहले दहेज की मांग की। क्या दहेज में क्या मांगते? वैगनार गाड़ी मांग रहे थे। अच्छा, आपको कब कैसे क्या पता चला? हमें जिन्हें की मतलब जो वातावरण फोन पर आया था तब मतलब जो है हमने सुन लिया था, तो अब हमें पड़ोस के लोग सब जान लेते हैं कि मतलब जो है ये बात है, तो अब काफ़ी लोग गए थे कल वहाँ, तो वहाँ सर मतलब जो है कोई नहीं था, अकेली बिटिया पड़ी हुई। ये थाना बेवर का एक गाँव है छबीलेपुर। अभी 11 माह पहले एक श्रीमती वंदना की शादी हुई थी और संदिग्ध परिस्थिति पर उसकी मृत्यु हो गई है। नवालम द्वारा दहेज के लिए उसको तैयार मारने का आरोप लगाया है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, पुलिस की कार्रवाई चल रही है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है? 4 लोगों को खिलाफ उठाया गया है, जिसमें उसके पति, सास, ससुर और एक नंद का नाम।